नमस्कार। देश के जल मंत्रियों का पहला अखिल भारतीय सम्मेलन अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। आज भारत वाटर सिक्योरिटी पर अभूतपूर्व काम कर रहा है, अभूतपूर्व निवेश भी कर रहा है। हमारी संवैधानिक व्यवस्था में पानी का विषय राज्यों के नियंत्रण में आता है। जल संरक्षण के लिए राज्यों के प्रयास देश के सामूहिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में बहुत सहायक होंगे। ऐसे में वाटर विजन एट 2047 अगले 25 वर्षों की अमृत यात्रा का एक महत्वपूर्ण आयाम है। साथियों, इस सम्मेलन में होल ऑफ द गवर्नमेंट और होल ऑफ द कंट्री इसके विजन को सामने रखकर चर्चाएं होना बहुत स्वाभाविक और आवश्यक भी है। होल ऑफ गवर्नमेंट का एक पहलू ये भी है कि सभी सरकारें एक सिस्टम की तरह, एक ऑर्गेनिक एंटिटी की तरह काम करें। राज्यों में भी विभिन्न मंत्रालय, जैसे जल मंत्रालय हो, सिंचाई मंत्रालय हो, कृषि मंत्रालय हो, ग्रामीण विकास मंत्रालय हो, पशुपालन का विभाग हो, उसी प्रकार से शहरी विकास मंत्रालय, उसी प्रकार से आपदा प्रबंधन, यानी कि सबके बीच लगातार संपर्क और संवाद और एक क्लैरिटी, विजन ये होना बहुत आवश्यक है। अगर विभागों को एक दूसरे से जुड़ी जानकारी होगी, उनके पास पूरा डेटा होगा, तो उन्हें अपनी प्लानिंग में भी मदद मिलेगी। साथियों, हमें ये भी समझना होगा कि सरकार के अकेले प्रयास से ही सफलता नहीं आती। जो सरकार में है उन्हें इस सोच से बाहर निकलना होगा कि उनके अकेले के प्रयास से अपेक्षित परिणाम मिल जाएंगे। इसलिए जल संरक्षण से जुड़े अभियानों में जनता जनार्दन को, सामाजिक संगठनों को, सिविल सोसाइटी को भी ज्यादा से ज्यादा हमें जोड़ना होगा, साथ लेना होगा। जन भागीदारी का एक और पक्ष है और जी उसे भी समझना बहुत जरूरी है। कुछ लोग सोचते हैं कि भाई जन भागीदारी यानी लोगों पर ही सारी जिम्मेदारी थोप देना, जन भागीदारी को बढ़ावा देने से सरकार की जिम्मेदारी कम हो जाती है। हकीकत ऐसी नहीं है, जवाबदेही कम नहीं होती। जन भागीदारी का सबसे बड़ा लाभ ये होता है कि जनता जनार्दन को भी ये पता चलता है कि इस अभियान में कितनी मेहनत हो रही है, कितना पैसा लग रहा है, इसके कितने पहलू होते हैं। जब किसी अभियान से जनता जुड़ी रहती है तो उसे कार्य की गंभीरता का पता चलता है, उसके सामर्थ्य का पता चलता है, उसके स्केल का पता चलता है, संसाधन कितने लगते हैं उसका पता चलता है। इससे जनता में जब ये सब देखते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, तो ये इस प्रकार की योजना हो या अभियान हो, एक सेंस ऑफ ओनरशिप आती है। और जो सेंस ऑफ ओनरशिप जो है ना, वो सफलता की सबसे बड़ी कुंजी होती है। अब आप देखिए, स्वच्छ भारत अभियान कितना बड़ा उदाहरण है। स्वच्छ भारत अभियान में जब लोग जुड़े तो जनता में भी एक चेतना आई, जागृति आई। गंदगी दूर करने के लिए जो संसाधन जुटाने थे, जो विभिन्न वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनवाने थे, शौचालय बनवाने थे, ऐसे अनेक कार्य सरकार के द्वारा हुए। लेकिन इस अभियान की सफलता तब सुनिश्चित हुई
जब जनता में प्रत्येक नागरिक में सोच आई कि गंदगी नहीं करनी है, गंदगी नहीं होनी चाहिए, गंदगी के प्रति एक नफरत का भाव नागरिकों में आने लगा। अब जनभागीदारी की यही सोच हमें जल संरक्षण के लिए जनता के मन में जगानी है। इसके लिए जनता को हम जितना ज्यादा जागरूक करेंगे उतना ही प्रभाव पैदा होगा। जैसे हम जल जागरूकता महोत्सवों का आयोजन कर सकते हैं, स्थानीय स्तर पर होने वाले मेलों में पानी को लेकर जागरूकता संबंधी कई आयोजन जोड़ सकते हैं। विशेषकर नई पीढ़ी इस विषय के प्रति जागरूक हो, इसके लिए हमें पाठ्यक्रम से लेकर स्कूलों में एक्टिविटीज तक इनोवेटिव तरीके सोचने होंगे। आप जानते हैं कि देश हर जिले में 75 अमृत सरोवर बना रहा है। आपने भी अपने राज्य में इसमें काफी कुछ काम किया है। इतने कम समय में 25,000 अमृत सरोवर बन भी चुके हैं। जल संरक्षण की दिशा में पूरे विश्व में अपनी तरह का ये अनोखा अभियान है और ये जन भागीदारी इसमें जुड़ी है। लोग इनिशिएटिव ले रहे हैं, लोग इसमें आगे आ रहे हैं। इनका संरक्षण हो, लोग इनसे जुड़े, हमें इस दिशा में निरंतर प्रयास बढ़ाने होंगे। साथियों, हमें पॉलिसी लेवल पर भी पानी से जुड़ी परेशानियों के समाधान के लिए सरकारी नीतियां और ब्यूरोक्रेटिक प्रक्रियाओं से बाहर आना होगा। हमें प्रॉब्लम्स को पहचानने और उसके सॉल्यूशन को खोजने के लिए टेक्नोलॉजी को, इंडस्ट्री को और खासकर स्टार्टअप्स को साथ जोड़ना होगा। जियो सेंसिंग और जियो मैपिंग जैसी टेक्निकों से हमें इस दिशा में काफी मदद मिल सकती है। साथियों, हर घर तक पानी पहुंचाने के लिए जल जीवन मिशन आपके राज्य का एक बड़ा डेवलपमेंट पैरामीटर हो है। कई राज्यों ने इसमें अच्छा काम किया है, कई राज्य इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अब हमें यह सुनिश्चित करना है कि एक बार यह व्यवस्था बन गई तो आगे उनकी देखरेख भी उतने ही अच्छे ढंग से चलती है। ग्राम पंचायतें जल जीवन मिशन का नेतृत्व करें और काम पूरा होने के बाद ये सर्टिफाई भी करें कि पर्याप्त और स्वच्छ पानी उपलब्ध हो गया है। हर ग्राम पंचायत मासिक या त्रैमासिक रिपोर्ट भी ऑनलाइन सबमिट कर सकती है कि उसके गांव में कितने घरों में नल से जल आ रहा है। पानी की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए समय समय पर वाटर टेस्टिंग की प्रणाली भी विकसित की जानी चाहिए। साथियों, हम सभी जानते हैं कि इंडस्ट्री और खेती दो ऐसे सेक्टर्स हैं जिसमें स्वाभाविक रूप से पानी की आवश्यकता बहुत रहती है। हमें इन दोनों ही सेक्टर से जुड़े लोगों से विशेष अभियान चलाकर उन्हें वाटर सिक्योरिटी के प्रति जागरूक करना हो चाहिए। पानी की उपलब्धता के आधार पर ही क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन हो, प्राकृतिक खेती हो, नेचुरल फार्मिंग खेती को बढ़ावा दिया जाए। कई जगह ऐसा देखने में आया है कि जहां प्राकृतिक खेती होती है, नेचुरल फार्मिंग की जा रही है, वहां जल संरक्षण के भी सकारात्मक प्रभाव दिखाई दिया है। साथियों, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत सभी राज्यों में तेजी से काम हो रहा है। इसके अंतर्गत पर ड्रॉप मोर क्रॉप अभियान की शुरुआत की गई थी। इस स्कीम के तहत देश में अब तक 70 लाख हेक्टेयर से ज्यादा जमीन माइक्रो इरिगेशन के दायरे में लाई जा चुकी है। सभी राज्यों को माइक्रो इरिगेशन को लगातार बढ़ावा देना चाहिए। ये जल संरक्षण के लिए बहुत आवश्यक योजना है। अब डायरेक्ट कैनाल की जगह पाइपलाइन आधारित नई योजनाएं लाई जा रही है। इसको और भी आगे ले जाने की जरूरत है। साथियों, जल संरक्षण के लिए केंद्र ने अटल भूजल संरक्षण योजना की शुरुआत की है।
ये एक संवेदनशील अभियान है और इसे उतनी ही संवेदनशीलता से आगे बढ़ाने की जरूरत है। भूजल प्रबंधन के लिए बनाए गए प्राधिकरण सख्ती से इस दिशा में काम करे, ये भी जरूरी है। भूजल रिचार्ज के लिए सभी जिलों में बड़े पैमाने पर वॉटर शेड का काम होना जरूरी है और मैं तो चाहूंगा कि मनरेगा में सबसे अधिक काम पानी के लिए करना चाहिए। पहाड़ी क्षेत्रों में स्प्रिंग शेड को पुनर्जीवित करने का कार्यक्रम शुरू किया गया है, इस पर तेजी से काम करना होगा। जल संरक्षण के लिए आपके राज्य में वन क्षेत्रों को बढ़ाना वो भी उतना ही जरूरी है। इसके लिए पर्यावरण मंत्रालय और जल मंत्रालय साथ मिलकर काम करें। लगातार पानी पहुंचाने के लिए जरूरी है कि पानी के सभी स्थानीय स्रोतों के संरक्षण पर भी ध्यान दिया जाए। ग्राम पंचायतें अपने लिए अगले 5 साल का एक्शन प्लान भी बनाए, पानी को केंद्र में रख करके बनाए, जिसमें पानी सप्लाई से लेकर स्वच्छता और वेस्ट मैनेजमेंट तक का रोड मैप हो। किस गांव में कितना पानी आवश्यक है और उसके लिए क्या काम हो सकता है, इसके आधार पर कुछ राज्यों में पंचायत स्तर पर वाटर बजट तैयार किया गया है। इसे भी दूसरे राज्यों द्वारा अपनाया जा सकता है। हाल के वर्षों में हमने देखा है कि कैच द रेन अभियान, उसने एक आकर्षण तो पैदा किया है लेकिन सफलता के लिए अभी बहुत कुछ करना जरूरी है। बहुत आवश्यक है कि इस तरह के अभियान राज्य सरकार की रोजमर्रा की गतिविधि का एक सहज स्वभाव बन जाना चाहिए, राज्य सरकार के सालाना अभियान का वो अनिवार्य हिस्सा हो जाना चाहिए। और इस तरह के अभियान के लिए बारिश का इंतजार करने के बजाय बारिश से पहले ही सारी प्लानिंग करना बहुत जरूरी है। साथियों, इस बजट में सरकार ने सर्कुलर इकोनॉमी पर बहुत जोर दिया है। जल संरक्षण के क्षेत्र में भी सर्कुलर इकोनॉमी की बड़ी भूमिका है। जब ट्रीटेड वाटर को रीयूज किया जाता है, फ्रेश वाटर को कंजर्व किया जाता है, तो उससे पूरे इकोसिस्टम को बहुत लाभ होता है। इसलिए पानी का ट्रीटमेंट, पानी की रिसाइकलिंग आवश्यक है। राज्यों द्वारा विभिन्न कार्यों में ट्रीटेड वाटर का इस्तेमाल बढ़ाने की योजना और उसमें वेस्ट में से बेस्ट इनकम भी होती है। आपको लोकल नीड्स की मैपिंग करनी होगी, उस हिसाब से योजनाएं बनानी होगी। हमें एक और बात ध्यान रखनी है, हमारी नदियां, हमारी वाटर बॉडीज पूरे वाटर इकोसिस्टम का सबसे अहम हिस्सा होते हैं। हमारी कोई भी नदी या वाटर बॉडी बाहरी कारकों से प्रदूषित न हो, इसके लिए हमें हर राज्य में वेस्ट मैनेजमेंट और सीवेज ट्रीटमेंट का नेटवर्क बनाना होगा। ट्रीटेड वाटर का दोबारा इस्तेमाल हो, इसके लिए भी हमें प्रभावी व्यवस्था पर ध्यान देना होगा। नमामि गंगे मिशन को टेम्पलेट बनाकर बाकी राज्य भी अपने यहां नदियों के संरक्षण और पुनर्जीवन के लिए ऐसे ही अभियान शुरू कर सकते हैं। साथियों, पानी कोलैबोरेशन और कोऑर्डिनेशन का विषय बने, राज्यों के बीच कोऑपरेशन का विषय बने, यह है हम सबकी जिम्मेदारी है। और आप तो देख रहे हैं एक और इशू, अर्बनाइजेशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है, बहुत तेजी से हमारी आबादी अर्बनाइजेशन की दिशा में बढ़ने वाली है। अर्बन डेवलपमेंट इतना तेजी से होता है तो पानी के विषय में अभी से सोचना पड़ेगा, सीवेज की व्यवस्था अभी से सोचनी पड़ेगी, सीवेज ट्रीटमेंट की व्यवस्था अभी से सोचनी पड़ेगी। शहरों के बढ़ने की जो गति है
उस गति से हमें और गति बढ़ानी पड़ेगी। मैं आशा करता हूं कि हम इस समिट में हर एक के अनुभव को साझा करेंगे, बहुत ही सार्थक चर्चा होगी, निश्चित कार्य योजना बनेगी और एक संकल्प बन करके आप इसको सिद्धि प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ेंगे। हर राज्य अपने राज्य के नागरिकों की सुख सुविधा के लिए, नागरिकों के कर्तव्य पर भी बल देते हुए और सरकार का पानी के प्रति प्राथमिकता वाला काम अगर हम करेंगे तो मुझे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इस वाटर कॉन्फ्रेंस के लिए हम एक बहुत आशाओं के साथ आगे बढ़ेंगे। मेरी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद।